Namaskara to everyone. So, in fact, I would really like to thank Silver Wings क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ना इस सबसे आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? सो थैंक यू गाइज. सो मैं अपने बारे में बताऊंगी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू गाइज दैट अगर आप लोग अपना चैट बॉक्स में डालो या बोलो अपनी वीडियो खोल के कि आपका नाम, आप कहाँ के हो, लेट मी फर्स्ट इंटरेक्ट विद यू ऑल, है ना? तो कि भी आप लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो अभी, अगर रिटायर हो तो भी क्या कर रहे हो, बिकॉज रिटायरमेंट इज द न्यू लाइफ. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. यू नो दैट रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज अ न्यू लाइफ, इट इज अ न्यू जर्नी. So this is what we are going to talk. So can you people write down your name and your okay? So yes. So let me just open my chat box. Okay. So let me see. Suresh Nanda from Munirka. And Suresh ji, आप क्या करते हैं? अगर आप थोड़ा लिखेंगे तो वो भी बहुत मजा आएगा कि अगर रिटायर भी है तो क्या करते थे? रिटायर्ड एनजीओ वर्क. परफेक्ट. मेरे नाम लिखो वेरी नाइस. सर, अच्छे ढंग ओके. से So what about सुनने others? सर। Sudha Dev, Ahmedabad, retired teacher. Okay, great. Write it down, everybody. Singing. Okay, singing. मतलब आप सिंगर हो क्या, सुधा? सुधा, आप सिंगर हो क्या? अगर आप अनम्यूट करेंगे तो थोड़ा बात कीजिए. यस जी यस. जी 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 अरे प्रोफेशनली वाह, नॉट एवरी बट आपको आई पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट मेनी इवेंट्स. ओके, दैट्स वंडरफुल यार. कितने आप टैलेंट्स होते हैं लाइफ में ना, हमें खुद नहीं पता चलता. यस यस त्रिलोकी. लोग अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मैसेज ही करें, बातें भी कर रहे हैं क्योंकि हम बातें इंटरेक्ट भी कर करने सकते आए हैं हैं ना। या एनीबॉडी कैन ओपन द विंडो, बिकॉज सी मैं मुझे पता नहीं है कि आपने शायद ऐसे सेशंस किए होंगे, तो मुझे नहीं लगता हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल सेशन को बनाना है. अगर हम इनफॉर्मल करेंगे तो आई थिंक इनफॉर्मल में हम ज्यादा सीखेंगे एक दूसरे से, इजंट इट? तो मुझे कोई यहाँ पे, आप लोग खुद टीचर हो इतने साल, अब मुझे कुछ सिखाना नहीं है, बिकॉज सिखाने का वक्त आई थिंक सीखने का भी वक्त चला जाता है. अभी तो हमने अंडरस्टैंड करना है बस कि ओके लाइफ होती क्या है, और आप लोगों से ज्यादा लाइफ किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी, राइट? तो विनोद जी, विनोद बाला, ओके वेलकम विनोद जी. रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर. अतुल शाह, अहमदाबाद. सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से हो आप. मुझे क्या लगा कि ये सब जने सिर्फ फरीदाबाद के हैं. सो दिस इज वन थिंग आई रियली लाइक इट. ओके. अलग अलग सिटी से हैं, अलग अलग हाँ, टैलेंट है, और बहुत ही हैपनिंग कम्युनिटी है हमारी सिल्वर विंग्स। अरे वाह. तो फिर तो मंजू जी, आप मुझे भी ले लेना अगले साल से, मैं भी सीनियर सिटीजन में आने वाली हूँ. आ गई हूँ, आ गई हूँ. आई एम जस्ट एंटर्ड इन टू द सीनियर सिटीजन. तो मुझे भी प्लीज त्रिलोकी जी ऐड कर लीजिएगा प्लीज. यस मैम, यू आर हाँ मोर बिंदी, जी, क्या बोला आपने? मैंने कहा यू आर मोर देन वेलकम। आई नो. थैंक यू जी, थैंक यू. मधु गोयल फ्रॉम गुड़गांव, विनोद बाला फ्रॉम रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर, देन किसी को मैं पीछे छोड़ गई हूँ. ओके. सो गाइस, वेलकम 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 टू दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी. एंड व्हाट आई कैन सी इज कि यहाँ पे काफी हैपनिंग चीजें होती हैं. मंजू जो मेरी सिस्टर हैं बड़ी, तो हम लोग काफी ज्यादा इकट्ठे हैं आजकल. तो शी इज अ वेरी वेरी डिवोटेड स्टूडेंट ऑफ माइंड एंड आई लव इट. तो जब मेरे किसी सेशन पे मंजू नहीं होती तो मुझे खुद को एनर्जी अपने डाउन फील होती है, बिकॉज मंजू इज द वन हु इज लाइक नंबर वन फॉर एवरीथिंग. इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन, मंजू इज द वन हु गिव्स मी द आंसर. एंड आई एम मिसिंग मंजू व्हेन एवर शी इज नॉट देयर इन माई वेबिनार्स एंड ऑल दैट. सो I just let me share a little small. I have not actually created anything as such for you guys because I feel कि जरूरत नहीं है आज कुछ सिखाने की as such, but a little small to just because I'm also visual. तो मैंने लिखा है यहाँ पे specially कि no more
इन्फॉर्मेशन, राइट? देर इज नो एजेंडा टूडे, आज कोई एजेंडा नहीं है. आर यू पीपल एक्साइटेड फॉर दिस? कि कोई एजेंडा ही नहीं है, बट फिर भी हम बात करेंगे. आर यू पीपल एक्साइटेड? ग्रेट 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 ग्रेट. ओके, सो वेलकम टू दिस वेलनेस वर्कशॉप ऑफ सेल्फ केयर. सो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी, एंड हम थोड़ा सा सेल्फ केयर को डीपर लेवल से समझेंगे, राइट? कि सेल्फ केयर आप लोगों के लिए क्या है? जैसे कि आपने अब इतने सालों से अपनी पूरी जिंदगी, ऑलमोस्ट 60, 65, 70, ऑल दैट एजेस ग्रुप्स आर देयर यहाँ पे, तो आप लोगों ने इतने साल अपनी लाइफ को लिए हैं, तो हमने वो लाइफ कैसे जी है, और जो तो जी है ठीक है, वो आज कैसे जी रहे हैं और आगे कैसे जीना चाहते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट टुडेज प्रोग्राम इज गोइंग टू बी. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो मेरा नाम वंदना है और मुझे विंदी कोहनी के नाम पे भी प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है. सो दैट वॉज अ सोल कॉलिंग एंड आई थिंक आई स्टार्टेड विद दैट. तो मैं बेसिकली आई एम अ होम मेकर, आई एम अ मदर ऑफ थ्री ब्यूटिफुल गर्ल्स, और आज मैं दो बेटों की ग्रैंड मदर भी हूँ. दो लड़के हैं मेरी बेटियों के, और तो आज मैं ग्रैंड मदर भी बन गई हूँ. सो द लाइफ इज लिटरली चेंजिंग, एंड टुडे आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल इन एज अ लाइफ कोच एंड एज अ साइकोथेरेपिस्ट, वेयर आई हेल्प पीपल इन देयर समटाइम्स दे हैव देयर मेंटल और इमोशनल कुछ फिजिकल इश्यूज हैं, तो मैं उनकी मदद करती हूँ उनके साथ. एंड द सेंटर पिक्चर इज ऑफ माई डॉटर्स. ये मेरी तीन बेटियां हैं, जो आज दो की शादी हो गई है, और जो बीच वाली है वो क्रिकेटर है, रणजी प्लेयर कर्नाटका में, और मैं बैंगलोर में रहती हूँ, बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम अमृतसर. तो मेरे फादर वॉज एडवोकेट, माई मॉम वॉज अ टीचर. सो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मेरा बहुत ज्यादा रिगार्ड है उन सब टीचर्स को. एंड क्योंकि दैट्स द प्रोफेशन जो हमें एक इंसान को एक्चुअली बनाता है, जो आज आप हो. एंड माई मॉम ऑल्सो हैज वर्क वेरी लॉन्ग टाइम, शी वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल टिल द टाइम शी रिटायर्ड. एंड सो मैं बॉर्न ब्रॉट अप अमृतसर की हूँ, पंजाबी हूँ. यस, कोई पंजाबी है यहाँ पे? एनीबडी इज पंजाबी है? पंजाबी अच्छा जी, चलो सत श्री अकाल जी थानू. So, but now I'm staying in Bangalore. It has been almost, I think, 26, 27 years. So, इससे पहले भी मैं बड़ी जगह पे घूमी. बस मेरी जर्नी है, थोड़ी सी जर्नी, छोटी सी जर्नी मैंने आप लोगों को बताने के लिए बनाई है, कि मैंने कुछ मैनेजमेंट के, एंटरप्रेन्योर के कोर्सेज भी किए, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं आता था. आई वॉज अ होम मेकर एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट हैविंग थ्री डॉटर्स. तो फ्रॉम होम मेकर टू बिकम ऑन्टरप्रन्योर वॉज अ जर्नी, एंड फ्रॉम ऑन्टरप्रन्योर एंड टूडे एज अ हीलर एंड एज अ लाइफ कोच इज अनदर जर्नी. सो इट इज अ, जब आप लोग मेरे कम्युनिटी में आओगे तो तब आपको मेरे बारे में और बड़ा पता चलेगा. आज मैं अपने बारे में बात के बोल के आपको बोर नहीं करना चाहती, और आई वॉन्टेड टू मेक दिस सेशन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड येस, आई एम अ एनएलपी प्रैक्टिशनर एज वेल सर्टिफाइड, जहां पे मैं लोगों की मदद करती हूँ अगर उनको खुद सीखना भी है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट. ओके, सो नाउ बिफोर आई टेक द सेशन अहेड, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. कि हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ यू वांट टू अचीव द अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड? कितने लोग हैं जो अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड के पीछे सोचते हैं कि वही हमारी लाइफ का सारे ही रीजन होंगे, है? सब होंगे. हाथ खड़ा करो सारे जने, सारे. और कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, ये पीस ऑफ माइंड तो ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और बड़ी चीजें काम में आती है? कोई है ऐसे बंदे जो सोचते हैं नहीं है तो थम्स डाउन, राइट? सो एनीवेज, जो जिसने हाथ खड़ा किया और जिसने हाथ नीचे किया, दोनों तरफ दे आर राइट ओनली. यू नो इट इज ऑल अबाउट, हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हमारी चीजें आवाज डिफरेंट. बंद हो गई है. आवाज नहीं आ रही सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही? प्रिया, अब आइए, अब आइए, बीच में बंद हो गई थी. आई कैन अच्छा हियर यू. अच्छा ओके ओके. सो एम आई लाउड एंड क्लियर? मतलब साउंड इज ओके? यस मैम, अच्छा यस मैम, यस मैम. अच्छा चलो, वंडरफुल वंडरफुल. तो अच्छा, तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी.
कितने लोग अभी अभी लाइक जैसे मैं समझ रही हूँ कि आप सारे जने रिटायर्ड हैं, तो कितने लोग अभी रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं? कितने लोग? सुरेश जी, अतुल, बाली, देन हु एल्स, हु एल्स? ओके, सो मतलब काफी लोग अभी भी काम कर रहे हैं. ओके, मंजू, मंजूश्री, मंजूश्री ऑल्सो इज वर्किंग. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई एम सो इम्प्रेस्ड अबाउट दिस. एंड जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो अपना समय कैसे बिताते हैं? कोई एनी वन अनम्यूट देयर टाइम, अनम्यूट द थिंग एंड टॉक. कोई भी अनम्यूट करे और बोले. सबसे सुबह तो पहले जो है ना मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, 2 घंटे मॉर्निंग वॉक चलती है. मॉर्निंग वॉक प्लस एक्सरसाइज, आओ नाश्ता बनाओ खाओ, फिर हमारे सेशंस आ जाते हैं. सिल्वर विंग्स है, ख्याल क्लब है, डिफरेंट क्लब्स, यही सीनियर सिटीजन्स के क्लब ज्वाइन कर रहे हुए हैं. थोड़ा अपना पाठ वाठ करो, थोड़ी बुक्स पढ़ना, रीडिंग की आदत है मुझे, रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग करते हैं. न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, उसमें सुडोकू होती है, कोई वर्ड्स गेम होती है वो करी. फिर खाना वाना, अपना घर का काम खुद करते, मतलब खाना खुद बनाते हैं. तो है मेरी बेटियां हैं, दोनों बाहर हैं, सेटल्ड हैं. मैं और हस्बैंड हम लोग दोनों अकेले रहते हैं अपना काम करके. और दोनों को घूमने का बहुत शौक है, जब टाइम मिलता है घूमने निकल जाते हैं. फिर शाम को इवनिंग वॉक पे गए और ये बस कुछ सेशन अटेंड करे. रात को टीवी देखते हैं, 7 बजे के बाद थोड़े सीरियल देखे, 7:30 के बाद, दैट्स ऑल. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू मीना फॉर शेयरिंग. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? मैम मेरे इट्स लाइक फोन की बैटरी डेड हो रही है मेरी. मैं हाय करना चाह रही हूँ आपको, आरती रॉय फ्रॉम लुधियाना, मंजूस फ्रेंड. आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू बट मेरे पास लाइट नहीं है एंड माय फोन इज गोइंग टू बी डेड इन फ्यू मिनट्स, नॉट कोई इवन बात फ्यू नहीं. मिनट्स गोइंग. आप देखो अगर हाँ ज्वाइन कर लोगे तो, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मीना, एंड देन वील कनेक्ट. थैंक यू सो मच डियर. ओके, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? I just want to say one thing, that we all retired people who are working, we are not working full time. It is, I mean, you work here and there, like helping the society or the underprivileged people. So it is full time. So we also have lot many things to do right from morning till evening. You know, Very nice. So you that's make why you are. yourself busy. Very nice. Yeah, Okay. you can be busy for something or the other. As singing is my passion, I participate in almost many events. I practice that and I'm quite involved in spiritual activity. Very nice, Sudha. और आप पहले क्या करती थी? टीचर थी आप? टीचर टीचर थी. हाँ ओके, वेरी नाइस, ग्रेट. हमारी कुकिला है बिंदी. हाँ जी, हाँ जी, मंजू बोलिए. मैंने कहा ये हमारी स्वर कोकिला है, बहुत गाने गाती हैं और बहुत इनको अच्छा वो हैं. अच्छा इससे पहले जो बल्ली बाजवा जी हैं वो तो अभी भी चीज एक्टिव एज एज मॉडलिंग करती हैं, वो रैंप थैंक यू, वॉक थैंक यू. ओके, अच्छा, बल्ली बाजवा. वाओ. सो आपके ग्रुप में तो मोटिवेशंस भरी पड़ी हुई है. आई थिंक यू पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, दैट्स वंडरफुल. या शाह जी सो हैं जो गार्डनिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं और सबको बताते भी रहे सीड्स के बारे में एंड ऑल. तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, एवरीबडी सेलिब्रिटी इन देमसेल्व्स ओनली. अच्छा, दैट्स वंडरफुल. सो इसका मतलब है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इतने मतलब ज्ञानी और इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में हूँ. आई एम ऑल्सो गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू गाइज. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट. ओनली वन थिंग इज, जिन्होंने अभी मुझे बताया, वो क्या नाम था उनका जिन्होंने बोला कि मेरे बच्चियां बाहर हैं और हम दोनों यहाँ रहते हैं? मीना मीना, कनेक्ट. मीना, मीना, यस मीना. सो मीना, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ, आपने बोला लास्ट में कि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं. यस, जब आप और आपके हस्बैंड हो तो आप अकेले कैसे हो सकते? बिल्कुल ठीक. नहीं, मैं बोलती बीच में एक और एक तो 11 होते हैं. तुम और तुम्हारे हस्बैंड तो वैसे ही 11 हो गए हो, तुम अकेले कहाँ हो? अकेले मैं अकेले बच्चे बच्चे तो यस आई एग्री, लेकिन हम लोग को एक दूसरे की कंपनी इतनी वक्त हमें पता ही नहीं लगता टाइम का, दोनों इकट्ठे घूमते हाँ, हैं करना, तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है. हाँ तो आज हम क्या बात करेंगे कि आज हम बात करेंगे कि हमें कुछ बातें जो वर्ड्स हैं
वो हमें पता नहीं है हम क्यों बोल रहे हैं, बट हम बोलते हैं क्योंकि वो हम बोल रहे हैं इतने सालों से, राइट? सो हाँ, कई बार ही क्या होता है, हमें नहीं पता चलता कि ओके दिस, मतलब हम कई बार बिना सोचे कुछ बात कर देते हैं, और फिर हमें कोई अगर कुछ बोल देता है कोई, तो हमें लगता है कि मैंने तो ये मतलब से नहीं बोला था, यू नो. देन डू यू थिंक, डू यू रियलाइज दैट हाउ वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. सो इन कम्युनिकेशन इट सेज कि 55% जो है वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज. यू नो, ये आपकी बात से देखो, मैंने ये सोचा नहीं था टॉपिक मीना, मैंने टॉपिक कुछ और सोचा था, बट ये तभी मैंने सोचा था, आज मैंने कोई टॉपिक नहीं बनाना, बट फिर भी मैंने मैंने कुछ तो मंजू से बात करे थे, मैंने कहा मंजू चलो सेल्फ केयर पे बात करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, यू नो, दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू. तो आपके सेंटेंस से मुझे ध्यान आया कि 55% जो होती है वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, एंड 38% जो होती है वो हमारी होती है टोन. टोन मैटर्स अ लॉट, यू नो, आपको पता है टोन कितनी मैटर करती है, कि मैंने कह जी दिया कि ओके तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, एंड फिर मैंने कह दिया तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो द टोन मेक्स डिफरेंस. व्हेन यू से तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो लैंग्वेज बंदा बहुत प्यार से उसको कन्वर्ट करके दोबारा कर, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो लगता है खसमा उखाओ रखो, मैं करना ही कुछ नहीं, यू नो, गेटिंग माई पॉइंट. सो एनीबडी नोज पंजाबी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक सम पंजाबी वर्ड्स इन बिटवीन, राइट? ओके, सो यस सुरेश जी, थैंक यू. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टोन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी आर एंटरिंग इन टू दैट थर्ड फेज ऑफ द लाइफ, यू नो, दिस इज द थर्ड फेज ऑफ आर लाइफ. डू यू एग्री ऑल ऑफ यू? फर्स्ट फेज था हमारा जब हम अपने स्कूल से कॉलेज में आए, शादी की, 20-21 साल की उम्र में हमारी शादियां हो गई सबकी, इजंट इट? हम सबकी शादियां 25 साल से पहले पहले शादियां हो गई, हमें बांध दिया पूरा का पूरा विदाउट, हमारा कुछ ब्रेन उस टाइम पे चलता नहीं था. तो जैसे जैसे पेरेंट्स कहते गए हम करते गए, जैसे जैसे माँ बाप बोलते गए हम करते गए, राइट? गुड इवनिंग आशा, गुड इवनिंग टू यू. एंड और उसके बाद हमारा सेकंड फेज आया जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने वाले हुए, जब उनका पीरियड आया, यू नो, उनकी शादियों का, जब हमारी एज थी कुछ 40s में एंड ऑल दैट, यू नो. एंड अब जो हमारा थर्ड फेज है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम सबको बोलना चाहूंगी, जो तो पता है मुझे लगता है आप सब लोगों को, कि ये हमारा बोनस टाइम है, बोनस. और बोनस बंदों को कैसे बताना चाहिए? बोनस बंदों को स्ट्रेस फ्री रिलैक्स होके बताना चाहिए, राइट? सो इसमें कई बारी हमें बच्चों की आज भी बातें कई बारी बुरी लग जाती हैं, आज भी बातें बच्चों की टोनिंग ठीक नहीं लगती है, या बच्चों को लगता है हमारी टोनिंग ठीक नहीं है. तो मैं आज भी सीखती हूँ बहुत कुछ अपने ही बच्चों से, अगर वो मुझे किसी चीज के लिए टोक देते हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छा कुछ तो सही के लिए बोला होगा, कुछ तो होगा जो मुझे आज भी लगता है मुझे बदलना है. तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कहते हैं कि चेंज इज द लाइफ? नहीं, आप ये मानते हो ये बोनस लाइफ है? बिल्कुल, ये बोनस लाइफ है मधु, ये बोनस लाइफ है, और इसको आज पता कैसे जीना चाहिए आपको, जैसे कि वो किसी ने बोला मैं सिंगिंग करता हूं, अपने पैशन से जीना चाहिए. क्योंकि मैं इसको बोलती हूँ, हम लोगों ने जो अपनी लाइफ जी है, जो एंजॉय किया है, वो अब ये हमारी बाकी बची बच्चों के साथ बोनस लाइफ है, तो इसमें ऐतराज उठाया जाता है कि बोनस लाइफ क्यों बोलते हो? आप इसको कुछ भी बोल दो, बोनस मैंने इसलिए बोला कि बोनस एक ना हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप वेबिनार्स करते हो, कोई बंदा मैं आपको एक इसको लाइक प्रोग्राम करती हूँ, बेचता है. इस वर्ड को मैं हाँ, लाइक करती हूँ। नहीं, एक वर्ड में आपको इसकी एक्सप्लेन करती हूँ. जब हम कुछ प्रोग्राम खरीदते हैं किसी से, आपने बड़े वेबिनार्स में खरीदे होंगे प्रोग्राम, तो जब वो कहते हैं ना कि आपको फ्री बोनस, तो वो एक्साइटमेंट एक आती है प्रोग्राम खरीदने के लिए. यस यस बिल्कुल और नो? वो फ्री बोनस हमें लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाई शुड आई लीव माय फ्री बोनस. गुड। फ्री बोनस हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इवन द प्रोग्राम विच आई बाय. तो कई बार हम फ्री बोनस जब वो देता है, या वो बंदा या बंदी, हम उस फ्री बोनस को पहले देखना शुरू करते हैं मेन प्रोग्राम से, कि कहीं ये फ्री बोनस ना हमारी लाइफ से चला जाए.
बेटे के लिए लगता है कि जो ये वाला टाइम है ना अब अपने लिए है, क्योंकि इतना पहले तो हम घर गृहस्थी बच्चों में फंसे रहे, अब फ्री रिलैक्स होके अब उसको अपना जो है ना, अब तो दैट्स व्हाई इट इज अ बोनस फॉर अस कि हम अपने आप को एंजॉय करें सारी हमारी लाइफ को, अब एनर्जी ने के हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं. I don't call it a bonus life, I call it the golden years. Absolutely, very good. This is the wonderful line, you know. It is the golden years, absolutely. So, कि हम लोग जिंदगी के एक नए पहलू पे जा रहे हैं, तो जब हम नए पहलू पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है जिंदगी भी ये एक नए ढंग से शुरू करनी चाहिए. नई सोच, नए ख्यालात, नई नजर, नए विचार. नए विचार. तो अगर हम वो पुरानी चीजें कुछ लेके अपने साथ चलेंगे तो हो सकता है हमें इस पड़ाव में भी रुकावटें आ जाएं, यू नो, आगे चलते चलते. तो उन रुकावटों को कैसे हम उसको निकाल के आगे बढ़ना है, वो हमारी नई नई सोच, नई नजर, नया बदलाव ही हमें दिखाएगा. मानते हो आप सब लोग? गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच. अब मैं नहीं, पर अगर एक मिनट में ये कहना चाहूंगा, अगर हमारी सोच पहले अच्छी थी और हम पीसफुल लाइफ आराम से जी रहे थे, तो इस पड़ाव में आके हमें बदलाव की क्या जरूरत? देखिए प्रदीप जी, अगर हम पीसफुल जी रहे हैं और आगे भी जीना चाहते हैं, बदलाव जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. बदलाव हमें हर उम्र से, देखिए हमें हर तभी मिली जब हम समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलते गए, चलते गए, कंटिन्यूअस प्रोसेस. पर ऐसा नहीं है कि अभी हम आए हैं तो अभी तक हम इसमें चल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन हमें बदलना है. नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप प्रदीप जी. तो अभी मेरा मतलब ये है कि जो जो बदलाव है वो चलता जाना चाहिए, जैसे आप ऑलरेडी चला चला के आ रहे. समय के साथ बदलाव तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो हमें जारी रखना चाहिए, बिल्कुल जारी रखना चाहिए. बदल रही है ऐसी बात नहीं है. आज कुछ लोग, जरूरी नहीं है आप, मे बी यू आर द एक्सेप्शंस, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर स्टिल इन टू द प्रोसेस ऑफ कैसे बदले, कैसे कुछ चीजों से अपने इग्नोरेंस लेके आए. कुछ चीजें हम जो सारी उम्र करते रहे हैं आज हम कैसे ना करें. हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते रहे, बच्चों का ध्यान बंद नहीं कर रहे. अभी जैसे मंजू जी ने बताया ना, हमारे यहाँ बहुत सेलिब्रिटीज हैं, तो बल्ली मैम ने हमें इतना परफेक्ट कर दिया है कि हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं. बल्ली मैम, इस अफर्मेशन क्लास है. एंड वंदना जी, आई ऑलवेज टेल प्रदीप सर, आप मुझे चने के पेड़ पे चढ़ा देते हो. देखिए बली जी, आपको तो मतलब बली मैम, आई नो, मैंने कहा आपको तो इस चीज के लिए अपने आप पे भी ग्रेटिट्यूड है कि भी ओके, सब लोग आपको इतना मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो जरूर आप तो आपके अंदर बात है जो आपको सब लोग बोल रहे हैं, राइट? कोई तो बात होती है किसी में. आई एम ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड, एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग फॉर मी, आई ऑलवेज वेलकम इट. ग्रेट 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 ग्रेट. Okay, so let me just come back to the same topic of your toning and body language. And body language matters a lot. जैसे कि मैं अगर ऐसे बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ, हाँ जी जी ठीक है, बली जी आप ठीक बोल रहे हो, प्रदीप आपने भी बहुत ही अच्छी बात कही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आप ऐसे बात कर रहे हो. Pradeep, I am so impressed the way you have spoken. It is so commendable. Bali, what you are doing is the excellent. Now, which do you think there is a body language shift? Second one. Right? So these are small, small things which I feel the some of the people, I'm not talking about that everyone, but some of the people are still not understanding how my body language impacts the outside world, isn't it? Yeah. Now हमारी बात चली थी मीना के हस्बैंड अकेले रहने के उसमें, right? I should not forget, I wanted to connect. तो words की बात चली थी कि 7% words काम आते हैं. तो मैं एक entrepreneur हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक business run कर रही हूँ. मैं दो business run कर रही थी but मैंने एक बंद कर दिया because मुझे coaching में बहुत ज्यादा interest आ गया, तो मुझे नहीं लगा कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी अपनी लाइफ में, तो मैंने वो बंद कर दिया.
राइट नाउ आई एम मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाती हूँ। कंस्ट्रक्शन मतलब कि ये नहीं है कि जैसे कोई बिल्डिंग्स बना दी या फ्लैट्स बना दिए, ये बहुत ही नीश एक कंस्ट्रक्शन काम है जो हम लोग इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स हम लोग कंपनीज के लिए करते हैं। जैसे हम लोग स्पेशलाइज है कोको कोला जैसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो कोको कोला बॉटलिंग यूनिट्स इज आर स्पेशलिटी। जैसे कि FMCG जितने भी चॉकलेट बनाना, बिस्किट बनाना, सो हमारी ना स्पेशलिटी है उस तरह की बिल्डिंग्स बनाने की। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, जहाँ पे मेरा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के साथ रहता है, जहाँ पे लाइक मैं कोक जैसे क्लाइंट्स या रिलायंस जैसे क्लाइंट्स या फिर पेप्सी जैसे क्लाइंट्स के साथ हमारा जुड़ना उठना रहता है। तो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो मैं अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सेशन की ट्रेनिंग हमेशा देती हूँ, और वो इसी टॉपिक पे देती हूँ मीना जी, कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट्स द वन थिंग विच इज लाइक लिटरली इज लैकिंग। कम्युनिकेशन जब हमारी ठीक नहीं होती तो देन बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन बाहर के लोगों के साथ नहीं करना चाह रही हूँ, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो सेल्फ केयर में सबसे इंपॉर्टेंट है लव्स, लव्स जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ, वर्ड्स जो मैं अपने लिए कहती हूँ, समझ रहे हैं आप? तो मैं बहुत सारी चीजें अपने लिए बोलती हूँ, तो जब मैं अपने लिए उन वर्ड्स उन चीजों के लिए क्लियर हूँ कि मैं अपने लिए क्या कहती हूँ, क्या मैं अपने आप को ऐसे बोलती हूँ कि ठीक है आई एम नॉट दैट गुड इनाफ, यू नो मेरे पास अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं बोलती हूँ कि नहीं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई कैन डू एनी थिंग, यू नो सो वॉट आर द वर्ड्स आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो मैंने आपके लिए एक दो स्पेशल स्लाइड्स बनाई है, एंड प्लीज नोटबुक है सबके पास, कॉपी पेंसिल? यस, प्लीज ओपन योर कॉपी एंड पेंसिल। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू थिंक यू हैव मोर देन दैट प्लीज राइट इट डाउन, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। सो आर यू हैविंग बिलो ऑब्जेक्शंस इन योर लाइफ? बताइए, आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग? नो नो, यस और नो? आप अपनी नो बुक में लिखिए, बुक में लिखिए। अच्छा, वी हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, डोंट फॉर एनीथिंग, जस्ट राइट, इट्स जस्ट द एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड माय एबिलिटी, माय एक्स एंड पेन्स आर जस्ट पार्ट ऑफ एजिंग, नथिंग कैन बी डन। यस, okay, I don't want to be a burden, so I shouldn't ask for help. English सबको comfortable है या मैं इसको हिंदी में repeat करूं? The last one, next one is the it's too late to change my diet. The damage is already done. या तो मैं बहुत old हूं कि मैं exercise अभी नहीं कर सकती। अगर कोई नई कोई टेक्नोलॉजी जो आजकल AI चला है, इतना कुछ नया आया है, फेसबुक पे इतनी चीजें आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, तो मेरे लिए वो एक चैलेंज है। मेरी जो बॉडी की कुछ कुछ बीमारियां हैं या कोई दर्दें हैं या कोई पेन्स हैं या कोई आर्थराइटिस है या कोई और तरह की दर्द है, कोई लो बैक पेन है, वो मेरी पार्ट एजिंग का पार्ट है, मैं कुछ कर नहीं सकती। अभी क्या करना है, अब 60 साल 70 साल में अब मैंने क्या करना है, हो गया, मेरी जिंदगी बीत गई। ऐसी सोच है आप लोगों की कि कैसी सोच है? थोड़ा सा इसको अगर आप इलेबोरेट भी करना चाहते हो तो आप लिखो, इट्स अ राइटिंग एक्सरसाइज, इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट, यू नो नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट राइटिंग, दैट विल गिव यू अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। देन आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन, मुझे किसी के ऊपर बर्डन नहीं बन रहा, मैं क्यों बच्चों के ऊपर बर्डन बनूं, मुझे उनकी yeah. क्या हेल्प लेनी है, मुझे नहीं चाहिए हेल्प, मैं नहीं लेती हेल्प किसी से, मैं क्यों लूं हेल्प? तो आप किस कैटेगरी में आते हो? एंड देन इट्स टू लेट टू चेंज माय डाइट, अभी मैं क्या डाइट चेंज करूं, सारी उम्र मैंने यही खाया है, अब मुझे क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये मत खाओ वो मत खाओ, अब जो होना था हो गया है, अब मैं क्या इसके पीछे अपना बदलाव करूं, मैं खुश हूं जो मैं खा रही हूं, अगर मुझे एक मिठाई शाम को मिल जाती है तो मैं बड़ी खुश हूं, मुझे क्या जरूरत है ये बदलाव लाने की? तो लिखिए, राइट, इंटरेस्टिंग गाइस, लिखो, यू नीड टाइम, सो जब आप बोलोगे कि हो गया तब मैं अगली स्लाइड आपको दिखाती हूँ।
Just take your time and write. Done? Done. Okay, great. Now let's go. Okay, perfect. Let's go ahead. Now write it down. Which are these beliefs you believe? Actually, मैंने उल्टा लिख दिया. Beliefs and believe लिखना था. So which are these beliefs which you believe? I have no purpose now that I am retired. अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अब क्या पर्पस है? सारी ऊपर तो निकल गई, अब पर्पस क्या है? मुझे नहीं समझ में आता पर्पस क्या होता है. सोशल सर्कल्स आर फॉर यंग पीपल, आई डोंट नीड न्यू फ्रेंड्स. एक उम्र होती है दोस्त बनाने की, लोग बनाने की. अब इस उम्र में कहाँ हम दोस्त बनाएंगे नए, कहाँ हम दोस्त नए लोगों से मिलेंगे. तो आप लिखिए कि आप इसमें कैसे क्या बिलीव करते हो आप. मेमोरी लॉस इज इनएविटेबल, आई जस्ट हैव टू लिव विद इट. आप कुछ चीजें भूल गई हैं, भूल जाते हैं चीजें रख के, भूल गई हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें. अब क्या याद करते रहो, मुझे तो अब ऐसे ही जीना है, अब क्या जीना है. मैं ऑलरेडी 75 का हूँ, 80 तक टच करने वाला हूँ, अभी क्या करना है. ये सब जीने दो, अब जैसे जी रहा हूँ होने दो, अब जो जैसे लाइफ है करने दो, यू नो. आई शुडंट ट्रेवल और डू न्यू एक्टिविटीज एट माई एज. अभी मुझे अपनी, अभी क्या इस एज में मैं नया ट्रैवल करूँ, इधर जाऊँ. मैं अपने घर में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे अपनी स्पेस बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी स्पेस के अंदर. मेडिकेशन इज द ओनली वे टू डील विद माई हेल्थ इश्यूज. अब तो दवाइयाँ ही मेरा साथ देंगी, दवाइयाँ ही मेरा अब साथी हैं. दवाइयों के बिना अब मेरी आगे जिंदगी नहीं चल सकती. आप लिख रहे हैं, लिखिए. टेक योर टाइम. डन. ग्रेट. कैन यू शो दैट फर्स्ट स्लाइड वंस मोर? ओके. You can take a screenshot of this. Yeah, that's what I'm trying to do. Yes, yes, please do that. Taken? Yeah. You can take a screenshot of this as well. Yeah, done, guys? Yeah. Very nice. पहले बताइए आपको कैसा लगा ये एक्सरसाइज करके, कुछ डिफरेंट थॉट प्रोसेस? Yes, yes. For self introspection, very good. Okay. Anybody would like to share? Should I go ahead? I go ahead. कौन शेयर कर रहा है? बली मैम, बली मैम. हाँ जी बली. एक सेकेंड रुकिए, मैं स्लाइड वापस से आप लोगों को दिखाती हूँ. हाँ जी, मेरे को ये लगता है कि आई एम नॉट ओल्ड एंड आई एम नेवर गोइंग टू ग्रो ओल्ड. यस्टरडे ओनली आई जस्ट सेट एन एग्जांपल. आई वेंट टू पार्क, माय ग्रैंडडॉटर्स हैड गॉन देयर. आई हैव गॉट टू ग्रैंडडॉटर्स स्टेइंग विद मी दीस डेज. और मेरी डॉटर लॉ की फ्रेंड खड़ी थी एंड शी टोल्ड मी, ओ आंटी आज तो आप 24-25 के लग रहे हो. मैंने कहा प्रिया क्या बात कर रही है यार, मैं 16 क्यों, लोग तो सीटियां मारते हैं, मुझे बड़ा कैसे. जस्ट यस्टरडे. वेरी नाइस. हाउ आई टेक लाइफ एंड द नेक्स्ट वन इज लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी. नो, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ ऑल दिस. आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न एनीथिंग ऑन दिस अर्थ. माई एक्स एंड पेन्स आर, आई नेवर टेक एलोपैथिक मेडिसिन. I believe that I will cure myself by doing certain exercises or being positive. It's only I go to doctor only when it is beyond me, which is I don't think so.
it was ever and it will ever be. All right. Next one is, I don't want to be burdened, so I shouldn't ask. No, I believe that I don't want to be burdened. I've got two sons. One is staying abroad. One is here, an army officer. But I always feel that if required, I have to fall back on them. So then I'm not a burden. It's too late to change my diet and change. Damage is done. No, I've recently changed over to the all this, what you call, instead of normal atta, I've just started eating the different kinds of, apne small, jo kehte hain, jawar, bajra, and this thing and that. So every day, I keep changing. Now, if we come to the next slide, I finish and then other people will take over. I think, Bali, next slide, let somebody else needs to talk. Okay. So, Suresh, aap next slide boliye. Yes. Anji, Suresh ji, unmute yourself. Yeah. Can you hear me? Yes. Absolutely. Yes. One moment. Number one, kidhar hai? I do exercise. Morning, I used to go to yoga class, yoga, meditation, or gyms. Then today, because of your session, I couldn't go. At 6 o'clock, I go to Dixit Park, Basant Vihar. I play kuch bhi, volleyball or badminton or stretch up kar deta hu. I don't think that I am 60 plus. I think always as 16 plus, 16 plus. I never. Age is just a number, madam. So far, attitude and mind is sharp as well, and you are acceptable to change. You feel young. Yeah. Okay, Suresh, aap next slide boliye. Iske upar bataiye abhi aap. Which are beliefs you believe? Technology, yes, is needed. I'm not a techno savvy guy, but jo bhi requirement hai. ईमेल भेजना ये तो मेरे को आता है सो आई एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी विल इंप्रूव आवर लाइफ एंड इट विल फास्टन आवर पेस ऑफ लाइफ देन थर्ड मेरे को बाय ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी आई डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज आई एम हैविंग अ रोबस्ट हेल्थ राइट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फोर्थ आई शुडंट नो I love to travel. I'm an outgoing and an avid party goer. I love party. Okay. I social interaction. Because social interaction is a part and parcel of a healthy life, both physical and mental life. Meri hisab se. Okay. Then medication. No. Medication, kaise no. I'm an avid believer of karmic philosophy. As you social you reap. So, agar aapka karam achha hoga, aapka mental health achhi rahegi, and your physical health will also will be good. If your karma, that is my soul, that is my cardinal principle in my life, karma. I don't have any repentance. I am happy. Because main gulgula bhi khushi se khata hu, rasgulla bhi khushi se khata hu. Very nice, very nice. I am quite passionate about life. Quite passionate about life, despite of ups and downs. So, but yeah, I'm 16 plus, not 60 plus. Though I'm 65, I'm 16 plus by my age and everything. Yeah, it is just that you are whatever you think you will become. That's yes. What it is. So what you think you will be. You are the person the same way. Okay, so great. Thank you, Sureshji. Anybody would like to talk about the belief? Beliefs. Let's talk about the beliefs now. Sudha ma'am has raised her hand. Sudha ma'am. Okay, Sudha. Sudha, just say. Yeah. Yeah, I think whatever they said, I also believe in exercise. I just give demo lessons also. Okay. Before we talk about beliefs, let me just close this this thing. Anyone who think whatever I think Baliji and Suresh has spoken about it, anybody is little different than them,
Yes, regarding my diet, I'm pretty choosy. Okay, yes, speak. Yeah. I'm happy with my haldi and namak also. Like, I don't eat any masalas in my diet. Okay. So, pizza, so pasta. Your health is perfect in that, or yours is affecting in that? I'm perfectly fine, but right from my childhood, I've been eating that type of thing only. So, I still don't love masalas, too much of garam masalas and all. So, I'm happy with simple khichdi and not even sabji, even dahi will do. Okay. Anything different? Anything other than you wanted to? Yes, tell me. I have got only one daughter. She stays in US. So, of course, I don't want to be a burden. At the same time, I'm ready to ask her help anytime. Yeah. So that's great. Okay, Sudhaji, just tell me about the beliefs. Let's talk about the belief. Her life peacefully and let her enjoy her life. But at the same time, whenever I need, I do. I'm staying with my mother now. My mother is staying with me, rather. Okay, very nice. How old is your mother, Sudha? She's 91. She's 91. Oh, very nice. And she gave a demo of yoga yesterday to some other, like, there's a Silver Wings, there's one more community, Seniors Have Talent. In that community, she just demonstrated yoga at the age of... So what I can see here is quite a talented people are sitting here, and I think I'm going to learn a lot from all of you. Anybody would like to talk on the beliefs? Saraswati, would you like to talk on the beliefs? Saraswati, can you unmute yourself? I'm just now picking up the people who have not spoken. On what did you say, madam? I said, would you like to talk on the beliefs? Beliefs. कहना चाहोगे कि आप आप आज आज ओके ओके लेट मी एक्सप्लेन इट टू आई मीन आई एम नॉट गेटिंग द आइडिया हाउ टू नहीं नहीं तो मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से ये बोलना चाह रही हूँ कि आप क्या ऐसा समझती हैं कि मैं रिटायर हो गई हूँ तो मेरा कोई पर्पस नहीं होना चाहिए ऐसा नो तो क्या समझती हैं आप बताइए कि आप क्या समझती हैं ओके I don't believe that after retirement there is nothing to do. Now I am doing some social work because I retired just 5-6 years back. But okay. I go for the I'm the originally nurse from by profession. So I go for the cancer screening camps. I do some social work like going to the children's counseling the children. So I do some work. So I'm not sitting at home and then doing nothing. So I do believe that we have to do something to activate ourselves, to be active and activate our mind also. Because when we are busy, we are doing something or other, the unnecessary things will not come to our mind. Yes. And and of course, the exercise and yoga and that also I do. I believe in that also because we have to do some small, maybe small steps, but we have to do some yogas and also that we are fit to do these all things again. Very nice. Okay, what about the second one? Social circles, आप समझती हैं कि okay ये social social circle तो चाहिए I do believe that क्योंकि social circles से ही अपना you know there are many friends you come to know the new friends like now senior world only many people we came to know maybe I'm not talking much but I do have the all people so I know the I mean that something communication goes on. So that is a way. So we need to have the social circle. Okay, very nice. Thank you so much. So let's give another opportunity to the another person. Atul, can you unmute? Thank you, Ji. Thank you so much. Atul, would you like to say the next one? Memory loss is inevitable. I just have to live with it. बेशक वो आपको नहीं होता होगा किसी और के बारे में भी होता होगा जो आपके आसपास है क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है आपके साथ या किसी और के साथ आपके आपके बिल्कुल जो आपके साथ कनेक्टेड हैं हाँ होता है ना it does happen since the last 2 years it is happening okay if people would ask me how do I remember I had a I could boast that I can remember people's first names if I had met him even 20 years ago okay
And now it's becoming a little difficult. My wife is also facing the same thing. Okay. Maybe we see each other every day, the whole day. And so the world is becoming smaller. But as far as my profession is concerned, I'm not yet retired, but I'm slow. I have slowed down. Okay. So. So आपको क्या लगता है कि अगर मेमोरी लॉस हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए उसके लिए या जैसा है पहले दो I keep on fighting with that issue. Yeah, yeah. So you keep finding the solutions for it. 110%. And okay. I don't feel this is an interval for me. My life is still on. There is no interval in my life. I'll Very say nice. Only that these are my golden years and I'm going to enjoy them. Absolutely. Great, great. What about the next one? That I shouldn't travel or do new activities at my age. Are you I keep on doing new things. I'm a very nice. I'm a jugadi, as they call it. Jugad, jugad. Jugadu, jugadu. I feel that if this particular thing can be made by someone, it can be made by me also. And I've done some things in my life. Earlier, when I was a packaging expert, I can copy anything. There were packaging materials coming from abroad, and people over here were just playing with it, and they were not able to do it. But I did it, and I earned money also out of it. Okay, very nice. The fifth one is medication is the only way to deal with my health issues. Well, again, I'm fighting with it. I try to do things naturally, which my mom used to experiment with me, and they were always the home remedies. Never go to the doctor or the medicine shop. Maximum, I would go to a medical shop and I'd tell him, "Ke bhai, I have a headache. Tell me what to do." Okay, that's wonderful, Atul. Thank you for sharing. Anybody would briefly all wanted to one person more because we don't have much time, and then I'm going to do a very beautiful process for you guys. Any one person is ready to share any specific thing which you think that it's a challenge for me in all these things. If you think that this is the challenge, or I have not thought about it, or I think like this, like little bit stuck. Anybody is there? Anybody would like to share? The purpose of life जो है ना, मुझे लगता है कि नहीं, कुछ पर्पस होना चाहिए. खाली ये नहीं खाना पीना घूमना ही नहीं, तो पर्पस ये है कि अगर अब हम फ्री हुए हैं, दैट आई वुड लाइक कि मैं पहले भी इससे कोरोना में हम स्ट्रीट किड्स को जो है ना पढ़ाते थे. एक एनजीओ मैंने ज्वाइन करा हुआ था और हम रोड साइड पे, तो जो मेड्स वगैरह के बच्चे होते हैं, ड्राइवर है, रिक्शा वाले हैं, तो उनको पढ़ाते थे. तो वो सबसे बेस्ट टाइम मेरे को वो लगता था, लेकिन कोरोना टाइम में वो सब बंद हो गया था. तो अभी फिर हम शाम को पार्क में जाते हैं, तो वहां पर जो ये मेड्स वगैरह के बच्चे घूमते हैं, तो उनको एक ग्रुप बना के, तो उनको मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बेस्ट टाइम लगता है. तो मतलब मेरे को ये लगता है कि जो अब हमारा टाइम है ना, जितना हम किसी के काम आ जाए, मुझे लगता है कि किसी की हेल्प करने में और किसी के जितना भी काम आओ ना, तो वो मेरे को पर्पज लगता है लाइफ का. दैट इज पर्पज इज कि देन व्हाटएवर यू आर डूइंग इट विद द फुल हार्ट. Yeah. हमारे पांच पांच एलिमेंट्स होते हैं भाई बॉडी के, पता है ना आपको. तो अगर तो सारे के सारे हम कनेक्ट हो रहे हैं कोई चीज करने में, फाइव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ऑल द मतलब कि पूरी मेरी सोल, मेरा माइंड, माय बॉडी इज ऑल कनेक्टेड इन डूइंग समथिंग, देन दैट्स योर पर्पस. सिंपल पर्पस इज नथिंग कि ओ आज पैसा कमाना, वो नीड्स हैं, वो जरूरतें हैं. पैसा कमाना जरूरत है, घर बनाना जरूरत है, तो देर इज अ डिफरेंस. वो एक अलग तरह की स्टडी है जो बहुत लंबी है. तो आज भी हमारा टॉपिक एक्चुअली थोड़ा ऐसे चला गया, मैंने सोचा नहीं था ये कैसे जाएगा. मैंने एक्चुअली नहीं इतना सोचा था कि हम इस उस पे बात करेंगे, बट आई थिंक somebody is asking हाउ टू डील विद मेमोरी लॉस. अच्छा, मैंने ये पढ़ा नहीं. सी, मेमोरी लॉस के बहुत सारे देर आर, वही मैं आपको भी बताने लगी थी. अब मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि मेमोरी जहां पे लॉस होने के आपको थोड़ी से भी चीजें बढ़ती है, वहां पे मैं अभी आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगी. लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ 5-7 मिनट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने आप को इंडल्ज कीजिए जो गेम्स आपको फोकस दें.
जैसे कि शतरंज खेलना, जैसे कि पजल बनाना। पजल कितने लोग बचपन में हम बनाते थे, हम अपने बच्चों को सिखाते थे पजल बनानी। या सो पजल इज अ वेरी गुड गेम टू मेक योर फोकस वेल। सो एनीथिंग विच गिव्स यू अ फोकस ऑफ डूइंग थिंग्स। डिस्ट्रैक्शन, जब जब हमारा माइंड का लॉस तब मेमोरी लॉस तब शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी लॉस आज नहीं शुरू होता, नॉट टुडे, इट्स नॉट टुडे, इट स्टार्टेड फ्रॉम द एज विच इज व्हेन यू आर इन 20s। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, बिकॉज वी ऑल हैव टेकन द मैक्सिमम स्ट्रेस इन आवर लाइफ, यू नो, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेस। ठीक है, ओवर द टाइम वी चेंज आवर सेल्फ, वी लर्न समथिंग एंड देन वी हैव चेंज आवर लाइफ स्टाइल, थिंकिंग, ये वो। लेकिन जो डैमेज हमारी लाइफ में हो जाता है ब्रेन, सो देर इज ओके, आई एम जस्ट एडिंग ऑन हियर वन थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट ब्रेन और माइंड अलग चीजें हैं? दो, किसी को पता है कि ब्रेन और माइंड अलग चीजें हैं? राइट, ब्रेन जो है, नहीं, किसको नहीं पता है? ओके, सो लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट। सो ब्रेन को हम माइंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दैट्स डिफरेंट, बट एक्चुअली द ब्रेन एंड माइंड इज डिफरेंट। ब्रेन इज, यू कैन सी, वो सेल से बना हुआ है, यू नो, आप उसका सर्जरी कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। माइंड जो है ना, दैट इज अ इमोशन ऑफ द ब्रेन, यू नो, दैट्स अ इमोशन ऑफ द ब्रेन, गेटिंग इट? वो जो मन है वो डिफरेंट है जो आप बात कर रही है, लेकिन जो मैं माइंड की बात कर रही हूँ, माइंड इज अबाउट थॉट, यू नो, मेरा जो एक विचार जहाँ पे क्रिएट होता है, मेरी जहाँ पे एक थॉट क्रिएट होती है, थॉट क्रिएट होने के बाद मेरी एक इमोशन बनती है उस पे, राइट? उस इमोशन से मेरी एक फीलिंग बनती है और फीलिंग के बाद ही मैं एक्शन लेता हूँ। मेरे को एक सोच आई कि चलो ये सीनियर सिटीजन के उसके ऊपर मैं आज एक छोटा सा एक सेशन करती हूँ, ये सोच आई। अब इमोशन क्या क्रिएट हुई? आई गॉट सो एक्साइटेड, ओ माई गॉड, पहले मुझे थोड़ा सा डर लगा, ओ माई गॉड, सारे सीनियर सिटीजन है, इतने एक्सपर्ट, इतनी इतनी जिंदगी जिए, मैं क्या सिखाऊंगी उनको, यू नो, थोड़ी देर के लिए वो एक कॉन्शियसनेस आई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी एक एनर्जी को शिफ्ट किया, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली और मैंने कहा नहीं यार, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो वाई नॉट आई। वो जब मैंने वो अपनी सोच को वैसे बदला तो एकदम से फीलिंग अच्छी आने लग गई। जब फीलिंग अच्छी आई तो मुझ पर स्माइल आई और मेरा फिर रिएक्शन डिफरेंट था। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने जो आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट बनाया वो मेरे को लास्ट मोमेंट रियलाइज हुआ, रात को 12 बजे सोने टाइम पे, कि ओ माय गॉड, मैंने, मेरे को कुछ देना चाहिए था आप लोगों को, तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं आपके लिए। तो वो एक एक्साइटमेंट हुई, उससे मैंने एक एक्शन लिया। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो माइंड एंड ब्रेन इज डिफरेंट। माइंड इज ऑल अबाउट वेयर यू आर क्रिएटिंग योर थॉट्स। Brain is all about which you can see. Now the memory loss is in the brain. Memory loss is in the brain when I am doing multitasking, when I am taking too much of stress in my life, which and because of the stress, or stress khali ek nahi hota. Stress mein kya hota hai? Stress jab hum lete hain, stress se bahut zyada anxiety aa jati hai body ke andar. Jab wo anxiety aa jati hai, wo hamare organs ko affect karti hai. आज बहुत सारे लोग, आप में से कोई बीपी की दवाई खा रहा होगा, किसी को डायबिटीज होगी, तो किसी को मेमोरी लॉस होगा, किसी को आर्थराइटिस की पेन्स आज आ रही होंगी, कोई ना कोई इश्यू आ रहा होगा आज की तारीख में। तो वो जो इश्यूज है वो आज नहीं शुरू हुए हैं, वो ओवर द टाइम स्टार्टेड। डेफिनेटली डाइट इज डाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट मोर देन डाइट इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस व्हाट आई हैव टेकन, you know, and we never think that the stress, and there are like in my workshops, agar aap aaoge mere saath, wo bahut detail mein hoti hai, manju ko pata hai, manju has attended lots of, so usme main bahut detail mein batati hu ki good stress kya hota hai aur bad stress kya hota hai, you know, to theek hai, ye ek knowledge hai, aur is knowledge ko jab main aaj, main bhi aap logo ki tarah, I am also entering into 60 next year. एंड मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया है अपनी लाइफ में, जब मैं सिंगल पेरेंट बनी, 22 साल हो गए मुझे सिंगल पेरेंट बने हुए, तो बहुत
चैलेंजिंग था मेरे लिए वो स्टोरी, मैं नहीं बताना चाहती बिकॉज वो बहुत, मैंने बताया लंबा हो जाएगा और वो पूरा सेशन डिफरेंट चला जाएगा, बट बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो आप अगर आज मुझे कोई बीमारी बाई चांस आ जाती है तो वो डेफिनेटली उसका कोई अंश होगा जो अंदर रह गया। आज इवन दो आई एम वेरी कॉन्शियस इन माई टॉकिंग, इन माई थिंकिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव इन माई बिहेवियर, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर, आई हेल्प पीपल इन देयर थेरेपीज, सो आई नो हाउ द डीप डाउन चीजें जाती हैं, कहाँ बचपन से चीजें रिलेटेड होती हैं। बचपन से याद आया ये बुक, सो प्लीज ये अमेजोन का लिंक है जो मैं त्रिलोकी आपके साथ शेयर करूंगी और आप प्लीज सबको शेयर कीजिएगा। And this is a very small book which I have written it. It's a kind of a biography of mine. But then, you know, there are a lot of things which in each chapter I have written a lesson learned. मैं आपको एक example देती हूँ, मुझे पता नहीं है कौन सा chapter है, मुझे खुद को अब याद नहीं है. So this chapter is all about the tree of unforeseen events. तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे events आए हैं जो हमें नहीं पता कि कैसे होने हैं. तो मैं सिर्फ आपको ये तीन चीजें बताऊंगी कि मैंने लिखा lessons learned in that period, मैंने अपनी स्टोरी बताई है, and then the lesson learned, nothing is going to be perfect, there will be a mistakes, no matter how disciplined we try to be, at some point we may even crash and break, nothing could be worse than a drop without a net, so we need to make sure we get back on our feet with the help of strong network of people, which you guys are doing it. So you guys have a, और मुझे ये, देखो मैंने अभी बस मैंने ऐसे खोला और ये आ गया पेज. तो I believe the supernatural powers goes with you when you are aware of everything. I believe कि जैसे मैं आज confused हूँ, मैं कोई भी book उठाती हूँ और मैं book में कोई भी पेज खोलती हूँ कि okay fine मुझे answer चाहिए. And believe me, I get the answer. You know, मैं एक वर्ड वो पढ़ती हूँ और ये देखो मुझे नहीं पता था हम कम्युनिटी में बैठे हैं, कम्युनिटी का पार्ट आ गया इसके अंदर, राइट? तो जो ब्रेन है वो मेमोरी लॉस तब करता है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं. आज मेरी डॉक्टर मुझे कहती है कि आप मम्मा बहुत ज्यादा यूजलेस हो गए हो, ये वर्ड उसने यूज किया 2-3 बारी, बिकॉज मैं कुछ कर रही हूँ एंड शी हैज आस्क्ड मी सर्टन थिंग्स टू डू एंड आई एम सेइंग I cannot register. Please keep quiet. Let me finish this. You know? So then I realized ki this is how my brain got damaged. Agar ho gaya hoga to. Aaj 10 saal ke baad agar mujhe memory loss ho jata hai to bada obvious hoga. Because bahut sare kaam humne kiye hue hain. Multitaskers. So please multitasking mat kijiye. Multitasking koi bahut achi cheez nahi hai. You know? One thing at a time. This is what my learning is. The focus, wherever the focus is, result is there. If I am not getting the result, means my focus is diverted. Today, मैं छोटे बच्चे जो हैं उनको सिखाती हूँ कि हमारा focus social media लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है पता नहीं. So, अब अगर जिन लोगों को भी ये issues है वो जा रहे हैं, मेरी उनको advice ये है कि meditation is the only way out. There is no way out to help you out, to come out of the memory loss. क्योंकि मेडिटेशन इज द ओनली वे, जब हम ब्रीदिंग करते हैं या हम 5 मिनट अपने साथ बैठते हैं तो हम फोकस्ड हैं, हम फोकस्ड हैं अपनी सांस पे, हम फोकस्ड हैं उस मोमेंट पे, हम फोकस्ड हैं कि हमारी थॉट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, वी आर फोकस्ड ऑन दैट, राइट? गेटिंग इट? सो थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सुरेश, थैंक यू आरती. So the focus is very, very important. And that's what the meditation helps you out. Meditation is not a religion. This I tell everyone, it is not a religion. Aajkal jisne bhi memory ka question, dekho kitna relate ho raha hai. Mere na goosebumps aa rahe hain aapse baat karke, ye book ka chapter khulna, aur suddenly kisi ne ye question put kiya. Main aajkal ispe bahut deep study kar rahi hu, and this study is all about the memory loss. What is the name of the book? The book name is Change the Brain, Change the Life. Okay, it is all about that, how your memory loss happening, how your dementia ke upar hai ye, ki kitna zabardast kaise hota hai, wo heal ho sakta hai, ye MD kisi PhD ne likhi hai, wo bhi sirf aur sirf end mein,
मेडिटेशन के बारे में बताता है. दैट्स द ओनली वे आउट. दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द थिंग्स आई एम टेलिंग यू गाइस. एंड इफ एनीबॉडी हैज नॉट स्टार्टेड, प्लीज स्टार्ट टुडे. टुडे इज द डे. मैं क्यों आपके प्लेटफॉर्म पे आई हूँ मुझे नहीं पता. मैंने नहीं प्लान किया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई ऐसे बुलाएगा. तो मैं इन सब चीजों में बिलीव करती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ होता है अलग से जो मैंने प्लान नहीं किया होता, इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी रीजन से मेरी लाइफ में हो रहा है. सो एवरीथिंग रीजन, यू नो, एवरीथिंग हैज अ रीजन. मैं बीमार हूँ, इट हैज अ रीजन. टुडे आई एम सिंगल पेरेंट, इट इज अ रीजन. मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर मैं सिंगल नहीं होती या मैं आज उस फेज से नहीं गुजरती, मैं शायद आज आप लोगों के साथ बैठी ही नहीं होती. राइट? मैं कुछ डिफरेंट ही जिंदगी बिता रही होती. अब मुझे तो पता नहीं वो क्या जिंदगी थी क्या नहीं थी. राइट? सो जो हो रहा है, जैसे कि अभी किसी ने कार्मिक के ऊपर बात की थी, कि जो हो रहा है वो ही जिंदगी है. वो एक रिलीजन, वो एक बड़ा स्पिरिचुअलिटी का ऊपर चला जाता है. राइट नाउ हम लोग एक बहुत ही सरफेस लेवल पे ही बातें कर रहे हैं, जहां पे हमें पहले सरफेस लेवल पे अपने आप में बदलाव लाना है. हमारी वर्ड्स के ऊपर, हमारी थॉट के ऊपर, हमारी हमारे डेली रूटीन के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर. बिकॉज अगर मैं लाइफस्टाइल में कुछ चीजें अडॉप्ट कर रही हूँ, तो वो जरूर है कि वो मेरी हेल्थ में मुझे 100% हेल्प करेंगे. इफ यू आर इन 60s, बिकॉज अगर आप देखो तो एक इंसान की जिंदगी, जैसे अभी किसी ने बताया, उनकी मदर इज 91 years old एंड शी इज डूइंग योगा. राइट? सो जस्ट इमेजिन, इसका मतलब है कि 100 साल एक इंसान जी सकता है आराम से. राइट? सो वो 100 साल के जीने के लिए अगर उन्होंने योगा बोला, इसका मतलब वो लेडी कितना जबरदस्त लाइफस्टाइल मैनेज कर रही होगी इस टाइम पे. बहुत जबरदस्त वो लाइफस्टाइल मैनेज कर रही होंगी. तो अगर कोई जना आज 70 साल का भी है या 75 साल का भी है आप लोगों में से, आप सोचो आपके पास अगले 25 साल है जीने के लिए, तो क्या कैसे जीना चाहोगे? अभी लिखो अपनी बुक में आफ्टर दिस सेशन, कैसे मैं अब जीना चाहूंगा, मैं कैसे अब सुबह उठना चाहूंगा, मैं कैसे अपनी थॉट को क्रिएट करना चाहूंगा, यू नो. क्योंकि अगले, अगर मेरे पास, अगर मैं 85 का भी हूं, मेरे पास अभी भी 15 साल है, अभी भी 20 साल है, अभी भी 30 साल है, यू नो. तो अगर मैं उस सोच में लेके अगर मैं करती हूँ, तो फिर पर्पस जो है ना सरस्वती, जो आप बोल रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर है. देन आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. क्या मैंने ऐसी चीज नहीं की जो मैं नहीं करना चाहूंगी? मैम, एक बात पूछना है आपसे. सॉरी टू इंटरप्ट यू. आप बोल रही थी ना ब्रेन एंड माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं. ब्रेन एक है और माइंड है उसकी सोच. तो सेम चीज हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी आंख एक है और नजर. एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली. दिल एक है और उसकी फीलिंग, उसका प्यार एक है, यू नो, ऐसा है. करेक्ट, बिल्कुल सही बोला. माइंड हम देख नहीं सकते, माइंड आप देख नहीं सकते, ब्रेन आप देख सकते हो. यू कैन सी ब्रेन. ब्रेन की सर्जरी होती है, ब्रेन को दिखता है, ब्रेन की एक्सरेज होते हैं. माइंड का एक्सरे नहीं होता. और माइंड को मिलाया आपस में. हाँ जी. मैंने उसको थोड़ा रोमांटिकली मिलाया आंख और उसकी. क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से मिलाया. तो आप इस तरह से अपने हर ऑर्गन के साथ एक इमोशन को मिला सकते हो. ये बहुत ज्यादा बड़ी स्टडी है कि अगर मैं 5 घंटे भी मुझे मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये खत्म होगा. एग्जाम्पल दो ना, एक एग्जाम्पल दो ना. आप बोलते हो ना कि अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. जैसे कि मैंने अभी बताया, हार्ट के साथ प्यार, लव को कनेक्ट कर दो. ब्रेन के साथ माइंड, ब्रेन के साथ माइंड को कनेक्ट कर दिया आपने. और कुछ, और कुछ. और नजर के साथ, देखो आंख के साथ उन्होंने नजर कनेक्ट कर दी. नोज के साथ आपने स्मेल कनेक्ट कर दी. ईयर के साथ आपने सुनना कनेक्ट कर दिया. समझ रहे हैं आप? हर चीज को काम है बोलना. हर चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं ना किसी ना किसी. अब सुनना, मैंने क्या सुनना है? अभी बाली जी ने बोला कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ और मैं मतलब हर चीज को उस एंगल से सोचती हूँ. तो मीन्स कि शी, व्हाटएवर शी इज लिसनिंग, शी इज चेंजिंग हर पर्सपेक्टिव व्हेन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंग्स इज कमिंग टू हर. एंड दैट्स व्हाट आई डू. आई व्हेन व्हाटएवर आई एम लिसनिंग एंड समटाइम्स आई एम नॉट लिसनिंग राइट, यू नो, इफ द पीपल आर नॉट टॉकिंग राइट, बट आई एम लिसनिंग राइट. गेटिंग इट? हो सकता है कि उस बंदे ने मेरे को कुछ 4 लफ्ज कुछ गलत ही बोले होंगे,
पर अब मेरे ऊपर है कि मैंने उसको सुनना कैसे है, इंटरप्रेट करने की बात है ना। इंटरप्रेट करना है आपको, आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, आपको अपना एक ढंग बदलना है उसको उसको सोचने का। एंड आई थिंक द पर्सपेक्टिव, योर सेल्फ पर्सपेक्टिव शुड बी वेरी हाई। एब्सोल्युटली ट्रू, very nice. Oh my god, this session has gone into a totally different angle altogether today. Yes, कि हम एक एक छोटा सा मेडिटेशन यहाँ कर सकते हैं। yes, मैंने बोला ना आपको हम प्रोसेस करने वाले हैं। I told you that that is what I wanted to understand पहले सबसे कि कितने लोग करते हैं और कितने लोग नए हैं इस चीज के लिए। मैम कुछ नहीं करते। How long is it? Maybe 5-10 minutes, 10 minutes. 5-10 minutes. तो नहीं करते पर करते हैं, न्यू भी नहीं है लेकिन रेगुलर करती भी नहीं। ओके, सो मैं बिफोर कि मैं उसके उसके बारे में आपको मतलब उस पे हम चले, मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ जरूर करना चाहूंगी। मेडिटेशन पहले रिलीजन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये कोई पाठ पूजा नहीं है। हम पाठ पूजा एक्चुअली रूटीन में करते हैं बट वो बहुत मैकेनिकल करते हैं कि मुझे आदत है दिया जलाने की, बात करते करते हेल्पर को बात कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ, अगरबत्ती जला, अच्छा ये कर देना, अगरबत्ती जला रही हूँ, मतलब दिस इज हाउ माई मैकेनिकली मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। ये जो एक चीज है ना स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज वेयर यू आर अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग। स्पिरिचुअलिटी इज विच इज मेकिंग यू कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ, जहां पे आप अपने बारे में समझते हो, अपनी थॉट को समझते हो, अपनी पर्सनालिटी के बारे में समझते हो। इवन दो आपने 60 साल बिता दिए, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं आज 60 साल की हूं तो मैं सोचती हूँ चलो मुझे बहुत ज्यादा जीना नहीं है, चलो यार 80 साल तक तो शायद जी लूंगी। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो 90 साल मरने वाले नहीं हो, इतना आप ध्यान रखते हो। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो मैं ना अपने लिए ना 75 लेके चल रही हूँ आज, और मैं सोचती हूँ ओके 15 साल है तो वंदना हाउ डू यू वांटेड टू योर 15 इयर्स, हाउ यू वांटेड टू एंटर योर डे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में एक्साइटमेंट में उठना चाह रहे हो या आए वन मोर डे, फिर सुबह उठो किचन में जाओ ये करो, आए अभी मैं वॉक पे जाऊंगी फिर मैंने ये करना है, और आई एम जस्ट जंपिंग फ्रॉम माई बेड एंड गेटिंग अप, और यस द न्यू डे लेट मी जस्ट गेट अप, लेट मी डू समथिंग डिफरेंट टुडे, लेट मी लर्न समथिंग डिफरेंट टुडे, लेट मी you know, create something different today. How am I getting up? That's the spirituality. Ab spirituality bahut lambi hai, but main aap logo ko simple tarike se bata rahi ki this is you take it spirituality. Now meditation is all about when you are within yourself. You know, aap apne saath ho. To abhi hum ek chota sa small process karenge. Usme ab usse pehle aap apni copy aur pencil kholiye. Ek intention likhiye. Ek intention. Intention matlab हो सकता है कोई कोई वो आपका गोल भी हो सकता है, कोई चीज जो आप अचीव करना चाहते हो सकता है कि वो कोई इमोशन हो जो आप अपनी रिलीज करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग, जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स एंड राइट। ओके नाउ तो मैं अभी एक छोटा सा आप लोगों को एक प्रोसेस करवाऊंगी, एक हल्का सा म्यूजिक चलाऊंगी और मैं कुछ ना कुछ बोलूंगी, आप क्या होगा थॉट आएगी, सोच आएगी, आने दीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। सांस से शुरू करेंगे, सांसों के ऊपर पहले ध्यान जाएगा कि सांस आ रही है सांस जा रही है, मैं आपको बोलूंगी वो, और सांसों से जुड़ते जुड़ते आपको थॉट्स आती जाएंगी। आपको लगेगा कोई तो बोल रहा है लेकिन हो सकता है कुछ लोग सो भी जाए, तो कोई बात नहीं, अगर आप सो भी जाते हो तो कोई बात नहीं, जब एकदम से आपका कॉन्शियसनेस उठी कि ओके फाइन मेरी कॉन्शियसनेस उठ गई है, मतलब कि ओ मैं तो मेडिटेशन कर रहा था या कोई बोल रहा है मैं उसको सुन रहा था, तो जहां पे हो वहीं से शुरू कर दीजिएगा। सो डू नॉट बी विद योर सेल्फ, जैसे कि एक मतलब यही मोमेंट है ना, यहां से कोई आपको लेना है ना कुछ देना है, यू नो दिस इज द मोमेंट, सो डू विद दैट, रेडी? ग्रेट, तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंस पे रख दीजिए, सो आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी डिस्टर्ब विद एनीवन, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। ओके
So now let me just put some music for you. बताइए आपको साउंड आ रही है? नो मैम, आपने शेयर नहीं किया है। नहीं अभी नहीं आ रही साउंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने शेयर तो किया था तब। नो अभी हट गया है वो। अच्छा ठीक है, अभी देखिए आ रही है? नो मैम। एक सेकेंड, लेट मी शेयर अगेन। हाँ, नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स कमिंग। मतलब ठीक है, ऊंचा है, कम है, मेरी आवाज के साथ चल रहा है? नो मैम, कम है, कम है, थोड़ा 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 बढ़ा दो। ठीक है जी, नाउ इट्स ओके, परफेक्ट, परफेक्ट मैम, परफेक्ट है या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, वंडरफुल। नाउ क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। पहले तो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाइए, स्पेक्स उतार दीजिए सब लोग। रिमूव योर स्पेक्स, स्पाइन नीड्स टू बी स्ट्रेट, मेक श्योर दैट योर यू आर नॉट बेंडिंग एंड सिटिंग लाइक दैट एंड शोल्डर ड्रूपिंग। बॉडी लैंग्वेज एज आई सेड, सो योर बॉडी लैंग्वेज नीड्स टू बी वेरी 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 फोकस्ड एंड अलर्ट। योर स्पाइन नीड्स टू बी स्ट्रेट, बी कंफर्टेबल। जो भी पोस्चर, किसी को बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, आंखें बंद, स्क्रीन से आप अपना बेशक हटा लीजिए, बेशक स्क्रीन पे नो वन विल सी ऑन द स्क्रीन। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट बी विद योरसेल्फ। ये आपको बहुत ही प्यारा मोमेंट है, इसको एंजॉय कीजिए आप लोग। लिसन द म्यूजिक, टेक अ डीप ब्रेथ इन। लोकी आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आई वॉन्टेड एवरी वन शुड डू इट बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। मैंने अपनी वीडियो बंद की है सो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए किसी को मेरे से। जस्ट क्लोज योर आईज, मैं बीच बीच में देखती रहूंगी सबको। अभी आप अपनी नाक से सांस लीजिए, गहरी सांस, और नाक से ही छोड़िए। छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स फील कीजिए। अपनी सांस को बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। नाउ स्लोली ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स योर लेग्स। अपने टांगों पे पूरा ध्यान लेके आइए, अपने पाओ पे पूरा ध्यान लेके आइए। अपने पाओ को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स योर फीट, रिलैक्स योर लेग्स कंप्लीटली। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स योर थाइज, जस्ट रिलैक्स योर थाइज कंप्लीटली। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स योर hips. If any stress is there, any kind of tension, just release it. This is the moment you can release all your aches and pains. This is a powerful moment for you guys. Now bring your attention towards your stomach, towards your kidneys. Just see
that your kidneys are perfectly working. Your stomach is absolutely relaxed. Just see your each and every part of the stomach. Now slowly bring your attention upwards towards your lungs, towards your heart. Now slowly bring your attention towards your shoulders. Just relax it. If there is any stress or tension, just relax your shoulders completely. Now bring your attention towards your elbows, your arms, your hands, your fingers. Just feel the relaxation in each body part. Now bring your attention towards your spinal cord. Observe if any kind of feeling is there in your spinal cord. Look at your spinal cord from the neck until the tailbone. Go each and every part of it, every muscle, every nerve. Just observe. Your blood circulation is happening in each and every body part. Now slowly bring your attention towards your neck. If anyone has thyroid, just see the glands of the throat. And just see that it is absolutely normal and working. Just take a deep breath in and breath out and relax your throat muscles. Now slowly bring your attention towards your face. Observe how your face is, how your smile is on your face. Relax your each and every nerve of your face. Now slowly bring your attention towards your eyes and relax completely. If there is any stress in the eyes, just make it calm. This is the moment. What the life is. Just feel the happiness, feel the calmness in your face. Wonderful. Now bring your attention towards your third eye, between your eyebrows. जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहां पे पूरा अपना ध्यान एकाग्र कीजिए, पूरी कामनेस वहां पे लेके आइए, एज इफ यू आर जस्ट फोकसिंग एट दिस मोमेंट विद इन यू, और ऑब्जर्व कीजिए कि एक गोल्डन लाइट, एक गोल्डन बिंदी, जैसे कि आपने बिंदी लगाई है वो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में है. There is a light, golden light in between your eyebrows. And now you can see everything so clearly. Now that light is going inside your body to your crown. आपके सर के ऊपर से जाती हुई आपके पूरे चारों तरफ आपकी बॉडी से वो आपके चारों तरफ फैल रही है वो लाइट. वो अभी आपके बॉडी के बाहर पूरी तरह से आपको कवर कर रही है, कवच की तरह.
and the similar way that light is inside your body and covering your entire organ, entire muscle, entire nerve. वो लाइट पूरी की पूरी आपकी एक एक ऑर्गन के अंदर जा रही है. इफ एनी वन ऑफ यू आर फेसिंग हाई बीपी और एनी काइंड ऑफ शुगर लेवल्स आर हाई, प्लीज ऑब्जर्व दैट लाइट इन द हार्ट, ऑब्जर्व दैट लाइट इन द गट, ऑब्जर्व दैट लाइट विच इज गोइंग and balancing all the chemicals of my body. This light is helping you in clearing all kinds of emotions. If you are anytime having any low feeling, low energy, this light is protecting you and making you strengthen. Just see the light is in each cell of your body. Each nerve of your body. Now your blood circulation is happening so smoothly. Anybody is having knee pain, leg pain, just feel that powerful, that spiritual light, that healing light is healing each and every part of your body. Whether it is your any body physical problem or you are facing any mental or emotional issues, this healing light is helping you. Just be with this moment for a while. Observe each feeling. Kaisi feeling is time pe aapko aa rahi hai? Aap kya feel kar rahe ho? कैसा लग रहा है आपको इस टाइम पे? आपकी बॉडी फील कैसे कर रही है? फील एज इफ एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल. फील एज इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट. फील एज इफ आई एम द कंफर्टेबल बीइंग ऑन दिस अर्थ. Just feel. Now slowly take a deep breath in and out. Take one more breath in and out. Take your right hand on your heart and just repeat after me. Love myself. I love what I'm doing. I'm so proud of myself. I love people around me. I am satisfied. I am comfortable. I am peaceful. I am a peaceful being. Take a deep breath in and out. And slowly bring your palms into the Namaskara position. Touch your both the thumb near your Anahata, near your heart chakra. Just fold your hands and all the power is within you. I'm the powerful being. With that feeling, just rub your hands till the time you feel the heat coming out from your hands. And keep the hands on your eyes. With that closed eyes, just feel that light is still inside you and it's healing. Wonderful.
slowly open your eyes. If you have a water, please drink a water before you talk. Yes. So how do you feel, guys? Anybody would like to share? Pradeep ji, would you like to share? Yeah, there's nothing new for me because we were doing this regularly. In Silver Wing also, we had some sessions on this, and then affirmation classes of Balli Ma'am always teaches us this. So perfectly. It's feeling like that you are in heaven. Yes. All everything is relieved and you are calm and peaceful. That's why I say, Balli Ma'am hai to hame koi chinta rehti nahi. Dekho Balli Ma'am. And I always tell you ki aap log wo kariye, visualize kariye, whatever you want to be, visualize. Yes, correct. That's the only way out. Absolutely. Anybody would like to share? Anybody else? You keep on telling yourself that everything is fine, everything is good. Everything is good with my word. Perfect. Very nice. Yes, Atul. Yes. In the beginning, it so happened that the music was dominant. Uh-huh. Mind was going towards the music. I was actually playing with my hands on my knees. But slowly, when the hands started moving, on the knees and the thighs, and I mean the mind started moving over there, I felt this I should take advantage of. And when it went to the heart, so that was the time I was almost having a blank mind. Okay. And that was a situation which I enjoyed, having a blank mind. That's what bliss is all about, right? Very nice. Yeah. See, everyone will have a different experience. Now the thing is, when we do these kind of things where, you know, we are relating to the visualization and the light and everything, actually, believe me, this is the anchoring which you are doing it. So right now, actually, I have anchored that light within you. So if you... Like now onwards, I really wanted you to do this exercise from tomorrow, today onwards, in fact, that be observant. Be observant about your feeling. Be aware what you are doing, what you are saying, what you are. So you will understand ki, oh, there are things which is becoming little different, or any observant, any awareness thing aapki zindagi mein koi different ho rahi hai, kuch naya kya ho raha hai, kuch naya kya nahi ho raha. तो आपको ये छोटी छोटी चीजें से बताएंगी. एनीबडी एल्स वांटेड टू से, डॉली यू वुड लाइक टू शेयर? यस यस मैम, मेरे को तो लगा जैसे कि मेरा बॉडी तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है मेरी बॉडी. मुझे बिल्कुल, मैं इतना लाइट फील कर रही थी कि सिर्फ लग रहा था कि यहाँ बस थोड़े से थॉट्स हैं, वो भी थोड़े टाइम बाद डिसअपीयर हो गए, और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ थी. लेकिन बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा था ये कंटिन्यू रहना चाहिए. करेक्ट. वो तो कह रहे ना, हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है आप लोग अटेंड किया कीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल मेक यू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ. डॉली जी, आप बल्ली मैम का सेशन अटेंड करिए, तो आपको वही मजा मिलेगा. ओके. मैंने हाँ अटेंड नहीं किया है अभी तक. आई विल मैडम, बल्ली मैम किस दिन होता है? थर्सडे 10:30 मेरे को तो बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं तो एंग्जाइटी की मेडिसिन खाती हूँ. हाँ, तो आप ये किया कीजिए. आप फिर इतने इतने पावरफुल लोगों के साथ हैं, तो फिर तो आपकी ये दवाई बंद होनी चाहिए डॉली. और ये परमानेंट नहीं होती है एंग्जाइटी. सो आई टॉक अ लॉट अबाउट ऑन एंग्जाइटी. आई डू अ स्पेशल थेरेपी सेशंस. बट अगर जैसे ये बली जी करा रही हैं, आप प्लीज कीजिए. आप एटलीस्ट यू नो, एंड वन थिंग मोर ऑल्सो, जो लोग नहीं करते हैं उनको, एक और जाने से पहले मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी.
वैसे आई एम नो वन टू गिव इट, बट स्टिल आई फील कि कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं करनी, बट हम ना एक या दो बार करके उसको बंद कर देते हैं, वो कुछ फायदा नहीं है. इट इज अ कंसिस्टेंसी, यू नो, एंड बॉडी में आदत जो है ना वो डालने से डलती है, ऐसे नहीं डलती है. आदत कोई भी छोड़नी हो या डालनी हो उसके लिए आपको वक्त चाहिए, और बॉडी 60 दिन मांगती है, 60 से लाइक लिटरली 40 दिन से 60 दिन बॉडी को साइंटिफिकली चाहिए किसी आदत को एडॉप्ट करने के लिए, करने के लिए. तो अगर आप कोई चीज करना शुरू कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए. This 40 days is connected with when a lady gives a birth to a child, and for 40 days we are told that you are not supposed to do all this and you have to be very careful to bring back your body to normal. Yeah, इतना वक्त लगता है. वैसे भी अगर आपको याद होगा बचपन में माँ ने सिखाया ब्रश करो, एक बारी में तो बोल के ब्रश नहीं हुआ ना, बेचारी तीन चार चार साल लगातार बोलती थी ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो, तब जाके आदत पड़ी. तो कोई भी चीज की आदत डालने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस. सो या सो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट तो देन आई थिंक एंजाइटी इज समथिंग विच, एंड यू आर हियर ऑन दिस सेशन मींस दैट यू आर विलिंग टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, यू नो. तो इट्स गुड. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू गाइस. मंजू यू वांट टू से समथिंग? विंदी, मैं आज ज्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि फिर सब लोगों को ये ना लगे कि इसकी तो अपनी सिस्टर है तो ये तो अच्छा अच्छा बोलेगी ही, तो इसलिए आई एम कीपिंग मम. और क्योंकि मेरी तो आपके साथ, मैंने तो आपके बहुत सेशन ज्वाइन किए हैं एंड आई नो कि आपका कैसा रहता है. बाकी सब लोग जो न्यू है तो अगर आप यहीं से पूछे तो अच्छा, मुझे तो खैर आई ऑलवेज एंजॉय एंड यू आर द वन हु हैव टॉट मी मेडिटेशन. मुझे तो मेडिटेशन पता ही नहीं आगे होता क्या है. So I am and I will always be grateful to you for that. Thank you so much. And baki aap dusre, aap Vinod ji bhi kuch kehna cha rahe the, unse puchiye wo. Vinod ji boliye, Vinod ji. Bada acha laga session aapka. It is very purposeful. I wish karte hain ki aap phir bhi time nikal ke aaiye. Bilkul bilkul bilkul. Main connect rahungi. I will talk to Triloki and then see ki kaise matlab hum log mil sakte hain beech mein. Aate rahiye yeah, janab. Yeah, yeah. Thank you. Yes, yes, yes. Definitely. Aur agar main, agar aap log interested ho new learnings ke liye to I keep doing the webinars and mera main live bhi aati hu, Sunday Sunday aati hu. कई बार बीच में मिस हो जाता है, बट अदरवाइज आई कम एवरी संडे लाइव. तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी अगर आप आना चाहते हो तो. उसमें भी मैं एक छोटा सा कोई टॉपिक पकड़ती हूँ, बट वो एक स्पेसिफिक वर्कशॉप बन जाता है. तो उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लोगों के, अगर कोई है तो वो मैं मतलब शेयर करती हूँ. आपको कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से? आपको कुछ, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो बताइए बली जी. इनफैक्ट आप तो मुझे लगता है कि I should come to your session when Triloki, please share the link. I would like to attend Bali's session. I enjoyed your session very much and the question answers there. I really enjoyed that because I could relate and I like whatever was ki age and pains and aches and traveling and social this thing, meetings. I think we are humans, all the, we are social animals, and socializing is very important. Yes. And the more people you meet, it's better. I mean, good for you. I mean, you try to remember more things, more absolutely things, everything, absolutely, and that is also your brain exercise. Correct. In my case, I travel a lot. And every time I travel, I make one or two new friends and I communicate with them. Mm-hmm. Yes, yes, yes. No, this is very, very important what you are saying, Bali. So I think everybody has a very powerful person in your group and I think you must follow. And anybody has any questions on the entire session? Kisi koi cheez mein kuch confusion ya kuch hai aap logon ko? कंफ्यूजन क्या, आपका आपका पर्सोना इतना अच्छा है कि आई गॉट कैरिड अवे. ओह माय गॉड अतुल, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन. आपने तो मेरा दिन बना दिए. शाम बना दी. नहीं, चलो थैंक यू सो मच. एंड मुझे लगता है आज बहुत लंबा सेशन चला गया. मैंने सोचा था 1 घंटे से ज्यादा हम नहीं बात करेंगे,
बट ये तो ऑलमोस्ट 7:40 इस टाइम पे, वी आर हंग्री पीपल, वी आर हंग्री, टाइम का पता ही नहीं चला, एब्सोल्युटली, या या नहीं, थैंक यू सो मच एंड आई रियली रिक्वेस्ट अगेन, बाय बाय, हाय हाय हाउ आर यू, सिट एंड गुड, आई एम गुड, वेरी नाइस, व्हाट्स योर नेम, वंडरफुल सर. जाने से पहले आप लोगों को एक बोनस देना चाहूंगी, गिफ्ट फ्रॉम माय एंड. मैंने एक ई बुक बनाई है, लिखी थी मैंने पीछे, मतलब थोड़े से पॉइंटर्स, यस आई रिसर्च्ड इट एंड आई हैव क्रिएटेड वन ई बुक, सो आई विल शेयर इट विद यू. That e-book might help you, you know, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक सीनियर सिटीजन की लाइफ को थोड़े से चेंज करने में हेल्प करेगी, तो इट्स द फ्री बोनस फ्रॉम माई एंड, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू.